एक्सक्यूज मी जोएज, जोएज आई एम सॉरी, लेकिन बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये मिस्टर आदित्य हुडा की बॉडी नहीं है, ये उस औरत के नाती की बॉडी है। मिस्टर आदित्य ठीक है, इनफैक्ट मिस्टर आदित्य ही इस औरत को यहां लेकर आए हैं। देख सोया, हम हार गए तुझसे। मैं हार गई सोया। माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने दिल में नफरत पाली, मैंने राजवीर के दिल में, इसके दिल में भी मैंने नफरत डाल दी। मैंने इससे कहा बदला ले, लेकिन अब हमें क्या मिला? मुझे और मेरे बच्चे को माफ कर दे सोया। सोया, मैंने जो तेरे और आदित्य और उसके घर वालों के साथ किया, पता नहीं तुम लोग कैसे मुझे माफ करोगे, लेकिन अगर तुम माफ करेगी ना तो ही भगवान हमें माफ कर पाए। मेरे राज को भगवान ने माफ नहीं किया, उसको अपने पास बुला लिया, उसको सजा दे दी मेरे बच्चे को। तो अपनी नानी को भी अपने साथ ले जा बेटा, तेरे बगैर मैं कैसे जीऊंगी, बोलना कैसे जीऊंगी। ले जा अपने साथ मुझे बेटा, ले जा। मां, अर्जुन आप, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप यहां क्या कर रहे हैं? अंकल, मैं जानता हूं कि आप मुझे पसंद नहीं करते और ना ही मेरी फैमिली को, लेकिन मैं ये सारी बातें से ऊपर उठकर और हमारा पास साइड में रखकर आप लोग से कुछ कहना चाहता हूं। कहें। मैं नूर से मोहब्बत करता हूं। आई रियली लव।
जिंदगी ने मुझे बहुत कम दिए लेकिन हर बार उन्हें बिना गिना छोड़ दिया, क्योंकि बदले में मैं सिर्फ नूर को मांगता रहा, वो भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन ये बात आपसे कहेगी नहीं, मुझसे ज्यादा वो आपसे प्यार करती। अंकल, आंटी, मैं नूर से शादी करना चाहता हूं और उसके लिए आप दोनों की इजाजत चाहता हूं। नूर, ये जनाब जो फरमा रहे हैं वह सच है। आप इनसे मोहब्बत करती हैं? नूर, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जवाब दें। नूर, आप जवाब दें, हमने कुछ पूछा है आपसे? जी अब्बू, पर अब्बू हम आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करते, इसीलिए हम वापस आ गए। अब्बू, बस बस, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, इसलिए सब कुछ छोड़ के वापस आ गए कि आप हमसे प्यार करती। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप दोनों बेटियां हमारे जिगर का टुकड़ा हैं? हमारे लिए आप अपनी मोहब्बत छोड़कर आ गई, हमें क्या समझते हैं आप? हम अपने नूर की आंखों में आंसू देखकर जिंदा रह पाएंगे? आप इनका ख्याल रखेंगे? पता नहीं क्यों हमें आपकी आंखों में सच्चाई दिख रही। खुश रहेंगे इनके साथ आप? खुश रहें। इनकी आंखों में कभी अगर आंसू आए तो खुशी के होने चाहिए। माँ, ये क्या? माँ, आदित्य, आदित्य, माँ को हॉस्पिटल लेकर चलो अभी। इसके साथ डील की थी मुझे बचाने की, एक रात बिताने की। हाँ, अपने जिस्म का इस्तेमाल किया है। सुनो प्लीज, जोयनन,
मैं मिली, मैं सर की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अंजना, मैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आदि सर, उनका क्या? और आप, आपका? देखिए मैं नहीं जानती कि आपके और आदि सर के बीच में क्या हुआ है और जो हुआ है वो कभी ठीक होगा भी या नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि पिछले एक साल में मैंने आदि सर को कभी खुश नहीं देखा। सांसें ले रहे हैं, जी नहीं रहे, और शायद आपका भी यही हाल होगा। प्यार बहुत ही नसीब वालों को मिलता है, और उस प्यार को मुकम्मल करने का मौका उससे भी ज्यादा खुशकिस्मत हो। और आप लोगों को शायद ये मौका मिला है, उसे गवाइए मत। आई होप कि आप दोनों रियलाइज करें कि आप दोनों कितने लगे हैं, फिर से एक हो जाए। मिस्टर आदित्य, आपकी मां भी खतरे से बाहर हैं, आप घर जाकर आराम कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सर। जो मैडम आपके साथ थी उन्होंने आपको मेडिसिन रूम में बुलाया। अजीब हॉस्पिटल है ये, हमें दवाई लेने भेज दिया, कहाँ ढूंढे हैं ना। सुहैर ने मुझे यहां क्यों बुलाया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो बुलाया था मुझे। हमने आपको यहाँ नहीं बुलाया। हम क्यों बुलाएंगे आपको? सर किसी लॉक हो गया, आपने तो कहीं लॉक नहीं किया इसे। कोई है? सॉरी आप। आदित्य, अच्छा हुआ तुम मिल गए, प्लीज मेरी मदद कर दो। सुबह से भटक रही हूँ, सुबह से अपने राजवीर को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ कहकर भी नहीं गया, हर जगह ढूंढ लिया मैंने उसे,
कहीं नहीं मिल रहा है। दरअसल उसे ऐसी बीमारी हुई है कि मेरा राज बस सिर्फ शायद महीने या दो महीने का ही मेहमान है। इसलिए चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद कर दो उसको ढूंढने में। प्लीज, जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया बेटा वो बहुत बुरा किया हमने। हर्ष को हमने मार डाला, तुमसे तुम्हारी फैमिली जुदा हो गई। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और राजवीर की तरफ से माफी मांगती हूँ बेटा। एक बात तुम्हें सच भी बतानी है और नहीं छुपा सकती मैं। जिस दिन राजवीर ने जोया को होटल में बुलाया था, याद है तुम्हें? उसने कहा था कि पूरी रात मेरे साथ गुजारनी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने ये जरूर कहा था कि रात गुजारो साथ में, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ बेटा। वो तो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। जोया सिर्फ तुम्हारी है बेटा, सिर्फ तुम्हारी। बात सुनिए मेरी अंजना, मैं एक्सक्यूज मी मां, मां देखिए मैं आपका आती, मैं आ गया हूं ना। भाभी आ रहे हैं, आप आइए नीचे आइए। मर के कभी कोई वापस नहीं आता आदि, मुझे सब याद आ गया है। हर्ष जा चुके हैं और अब मुझे भी उनके पास जाना है। नहीं, 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 आप नीचे आइए पहले। प्लीज नीचे आइए। कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज नीचे आइए आप। आदि, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब इतने पाप का बोझ और मैं नहीं सह सकती। अरे आप नीचे आइए प्लीज। आदित्य, चोट का असर है शायद, ये उन्हें सब याद आ गया है। कैसी बातें कर रही हैं? जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती थी आदि, पूजा और यश की मौत मेरी वजह से हुआ था। कैसी बातें कर रही हैं आप? रोक सकती थी मैं उन्हें, बचा सकती थी, अपने आप को रोक सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। पूजा ने जो तेरे साथ किया वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने पूजा, यश और उनके होने वाले बच्चे को। मां सारी बातें करेंगे बाद में करें, आप पहले नीचे आइए ना। आदि, मैंने और भी कुछ किया है, पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं राक्षस बन गई आदि। मैं तुझे अगर बता दूं तो तू भी यही चाहेगा कि मैं मर जाऊं। मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी,
और उसे सच पता चल गया था और वो तुझे बताने वाली थी, इसीलिए मैंने साक्षी को मार डाला। मैंने जो इतने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित जीते जी नहीं हो सकता। मुझे मर जाने दे आदि, यही मेरी सजा होगी और यही मेरी मुक्ति। मां, अरेस्ट कर लीजिए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। दुआ करूंगी कि तुम और आदि हमेशा खुश रहो। तुम ये क्या कर रही हो? आर यू ओके? मैं तो ओके हूँ कुणाल सर, लेकिन आदि सर वो ओके नहीं है, परेशान है। आई थिंक ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, और जब तक उसका असर रहेगा वो परेशान ही रहेंगे। आर यू सीरियस? मिली ब्लैक मैजिक? मिलेनियल की होके तुम 19th सेंचुरी की बातें कैसे कर लेती हो? जिसको मेंटल इलनेस बोलते हैं वो कोई नेगेटिव एनर्जी भी तो हो सकती है, या फिर किसी की भेजी हुई बद्दुआ। इनफैक्ट अब तो साइंस भी इस पर रिसर्च कर रहा है। ये सब तुम्हें कहां से पता चला? एक मिनट। यहां कलर्स चैनल पर एक नया शो आ रहा है, तंत्र। फैमिली पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, सब परेशान हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, सिवाय नियति के। आई एम तो क्यूरियस कि नियति अपनी फैमिली को कैसे बचाएगी। आप भी देखिए 3 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे सिर्फ कलर्स चैनल पर। आई एग्री यार, है तो इंटरेस्टिंग ये तंत्र। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश नजर आ रहे हैं। वैसे आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम खुश कब देखा था? कब देखा था? पहली बार तब जब जोया पैदा हुई थी, और दूसरी बार तब जब हमारी नूर पैदा हुई थी। अच्छा, वैसे आज भी आप हमें उतना ही खुश देखेंगी। आप देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, मैं देखता हूँ। चलिए। खुश आमदी, खुश आमदी। बेटे कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह।
कल तक जब हमारी बेटियों के हाथ चाहिए थे तो दोनों हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े थे, और आज जब हमारी बेटियां मिल गई हैं तो हमसे गले भी मिलना मुनासिब नहीं समझ रहा है कोई। हाँ आइए आइए छोटे दामाद, आइए भाई आइए, आपका ही घर है, आप शर्मा क्यों हैं? आइए आइए आइए। हाँ ये देखिए अब्बू, आपको दो बेटे क्या मिल गए, आप अपनी बेटियों को भूल गए, ये क्या चक्कर है? अरे तो उसमें क्या हुआ भाई, बच्चे हैं अपने जैसे तुम, बस ये तुम्हें क्यों जलन हो रही है? अप्पी आप अब्बू को छोड़िए, आप हमें ये बताइए अब हम आपको भाभी बोले या अप्पी बोले, और अब तो आप हमारी जेठानी बन गए, आप हमें परेशान तो नहीं करेंगी ना? बता रही भाई हमारे अल्लाह से ये दुआ है कि आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें। और इसी खुशी के मौके पे हम चाहते हैं कि एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। अम्मी ये बहुत अच्छा आइडिया है ना, चलो तो तैयार है सब? ओके मेरी जगह कहाँ है यार? आइए आइए ना, आइए आइए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.